हेलो एवरीवन आई एम आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जैन नोटिफिकेशन कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है लगभग ग्यारह हज़ार कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती की जानी है और ये जो पोस्ट रहेंगी कांस्टेबल पोस्ट है इसके लिए मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ही वैकेंसीज़ हैं दोनों के लिए रिजर्व हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज रिजर्व हैं सो मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे एंड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये जो क्वालिफिकेशन uh, रिक्वायर्ड रखी गई है ट्वेल्थ पास मांगा गया है ट्वेल्थ पास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए लास्ट डेट क्या रहेगी हम आगे डिस्कस करेंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं देन आप उस लिंक से विजिट uh, कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन या आप इसके ऑफिसर्स आर से भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं चलिए हम इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है, है, है ये हम सब इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं अप्लाई अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा एप्लीकेशन स्टार्ट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट डेट है 9 नवंबर 2021 टोटल वैकेंसीज ग्यारह हज़ार के आसपास हैं लगभग ग्यारह हज़ार है एंड इसमें जो वैकेंसी है कांस्टेबल की वो थ्री डिपार्टमेंट्स या थ्री में हम कह सकते हैं जैसे कि अन आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल की पाँच हज़ार दो सौ बारह वैकेंसी है आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए सात सौ संतानवे सेवन नाइन सेवन वेकेंसी हैं एस आर पी एफ कॉन्स्टेबल के लिए चार हज़ार चार सौ पचास हैं अब इनके लिए मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करेंगे लेकिन जो एस आर पी एफ है इसमें ओनली मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी लेकिन जो अदर है अनआर्म्ड एंड आर्म्ड पुलिस पुलिस कांस्टेबल इसके लिए फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगी ये आ, जो क्वालिफिकेशन है हमने डिस्कस कर लिया है ट्वेल्थ पास आप किसी भी डिसिप्लिन से किसी भी सब्जेक्ट से आपने ट्वेल्थ कंप्लीट किया हो एंड ये जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल एंड एस आर कांस्टेबल ये अंडर गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट में है गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसीज आई हुई हैं और इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे और ली गुजरात के जो कैंडिडेट रहेंगे वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे इसका डिटेल में हम यहाँ पर एक मिनट इसमें हम एज लिमिट देखेंगे तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 34 है 18 से चौंतीस साल एप्लीकेशन फीस हंड्रेड रुपीज़ है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैंडिडेट के लिए एस सी एस टी एस के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी सिलेक्शन प्रोसीजर फिजिकल होगा प्री एग्जाम होगा एंड मेंस होगा सो so अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा इसका हम वेबसाइट देख लेते हैं ये रही वेबसाइट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ आप देख सकते हैं फीस हंड्रेड रुपीज़ है लास्ट डेट नौ नवंबर है एंड इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे और डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकेंगे नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया गुजरात स्टेट के ही जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा थैंक यू